का एक महत्व, चूड़ियां पति को आकर्षित करती, चूड़ियां नारी का एक बहुत बड़ा श्रृंगार है। एक मैं श्रृंगार शतक का श्लोक बोल रहा हूँ इसके लिए, उसमें लिखा है, एता स्खलत बल संगत मेख लोथा झंकार नूपुर पराजितराज हंसा कुर्वंत कस्य नमनो विवशम तरुण्यो मित्रस्म मुग्धा हरिसन रसो कटाक्ष। आंख में लगा हुआ काजल, कमर में करदनी, हाथ में चूड़ी, जिस नारी को है ऐसा कौन पति है जो अपनी पत्नी के प्रति आकर्षित नहीं हो। और नारी के श्रृंगार के लिए बताया गया है कि नारी के पास जो श्रृंगार होता है वो अपने पति के लिए ही होता है। नारी के पास इतनी ऊर्जा होती है, उसके पास इतनी शक्ति होती है, वो इस तरीके से जीवन जीती है कि उसका पति इधर उधर भटक नहीं सकता। तो उसमें अपने पति को आकर्षित करने में एक चूड़ी का भी बड़ा योगदान है, और चूड़ी में से एक ऊर्जा मिलती है नारी को। भजन साधना पूजा पाठ इन सब में ऊर्जा तो मिलती है, तो ऊर्जा को जो संयमित बना करके रखती है ये देन चूड़ी की है। चूड़ी का प्रभाव, चूड़ी क्या देती है हमें बताया जाता है कि जो चूड़ियाँ हैं ये हमें, जो चूड़ी है ये प्रेम देती है, ये चूड़ियाँ ऊर्जा देती हैं, ये चूड़ियाँ सौभाग्य देती हैं। चूड़ी पति की आयु बढ़ाती है। जो लाल रंग की चूड़ी है आचार्य जी, वो ऊर्जा का स्रोत है, लाल रंग की शक्ति ताकत, नर्वस नहीं होने देती, कि लाल रंग की चूड़ी की ये बड़ी विशेषता है। और तत्पश्चात जो हरे रंग की चूड़ी है ये सौभाग्य समृद्धि देती है, सौभाग्य पति की आयु बढ़ाती है। पीले रंग की जो चूड़ी है वो खुशियां देती है, अक्षय प्रसन्नता देती है। और बताया जाता है कि जो नारंगी रंग की जो चूड़ी है ये पति को सफलता देती है। जिसका पति बार बार असफल हो रहा है, काम मिल नहीं रहा है, नौकरी में भी तरक्की हो नहीं रही है, व्यापार भी चल नहीं रहा है, और मैं तो बिना प्रमाण के कोई बात नहीं करता, यदि मात्र शक्ति नारंगी रंग की चूड़ी पहन करके भगवान की पूजा करे उसके पति को सफलता मिले। पीले रंग की चूड़ियों के द्वारा घर में खुशियां चल करके आती हैं। पीले रंग की चूड़ी की इतनी बड़ी महिमा है। जो नारी बिल्कुल खामोश हो रही है, ऐसा लग रहा है कि शरीर काम नहीं करता, अरे क्या करना है, यानी आलस हो गया है, बिल्कुल काम करने का मन ही नहीं हो रहा है, उसके लिए लाल रंग की जो चूड़ी आचार्य जी वो ऊर्जा प्रदान कर देगी। और मैं कहूँगा जितने भी धार्मिक कार्य होते हैं, बच्चों के जन्म को तत्पश्चात में और भी मांगलिक कार्यों में, विशेष रूप से हरी चूड़ियों को लिया गया। हरी चूड़ी ये सौभाग्य देती है, सुहाग की आयु बढ़ाती है। इसलिए मैंने पिछली वीडियो में डाला है कि सावन का महीना है, हरे रंग की आप चूड़ी जरूर पहनिए। अभी 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 मैंने पिछले वीडियो में ये चर्चा की है। और एक बात और मैं आपको कहना चाहूँगा, चूड़ी वही ज़्यादा विशेष है जो चूड़ियाँ कांच की है। बहुत लोग प्लास्टिक की पहन लेते हैं, प्लास्टिक की नहीं, मातृशक्ति के लिए चाहिए वह अपने हाथों में कांच की चूड़ी पहने, कांच की चूड़ी की यह अपने आप में बहुत बड़ी महिमा है। चूड़ियों की महिमा तो है ही, ये चूड़ी क्या नहीं दे देगी, बहुत बड़ी सफलता, प्रेम, सौहार्द, सफलता और सौभाग्य ये चूड़ियाँ देने वाली। इसलिए हमारी माताएं, सुहागिन माताएं इन चूड़ियों को पहनती हैं। तो इस वीडियो के लिए मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि ये वीडियो मैं आपके पास तक ये मैं भेज दूं। तो आप बिना चूड़ियों के अपने हाथ को मत रखिएगा। चार तरह की चूड़ियों की मैंने बात कही है, नंबर एक लाल रंग की चूड़ी, नंबर दो हरे रंग की चूड़ी, नंबर तीन पीले रंग की चूड़ी, और नंबर चार नारंगी रंग की चूड़ी। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, लाल रंग की जो चूड़ी है वो आपको ऊर्जा देगी, हरे रंग की चूड़ी है वो आपको सौभाग्य पति की उम्र, पीले रंग की चूड़ी घर में खुशियाँ देगी, और नारंगी रंग की जो चूड़ियाँ है वो आपके पति को सफलता देगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सीख गए। तो चार रंग की ये चूड़ियाँ हैं, ये बहुत अद्भुत हैं, बहुत ज़्यादा विशेष हैं और बहुत बहुत आनंद करने वाली हैं। चूड़ियाँ विषम संख्या में पहनिएगा, हाँ वैसे कहीं सम की भी बात कही गई है, लेकिन उसमें पाँच, पाँच से शुरू करें, पाँच सात ये चूड़ियाँ आप अपने हाथ में, हाँ ये आचार्य जी बोल रहे हैं, आचार्य जी बोल रहे हैं थाईलैंड वाले कि हम जब शादियाँ पढ़ते हैं तो वधू को हम सात चूड़ियाँ पहनाते हैं। तो आचार्य जी विषम संख्या में इसको बहुत ज़्यादा विशेष माना गया, शादी में हरे रंग की चूड़ियाँ, हरे रंग की चूड़ियाँ, हाँ हाँ भावर पड़ती है उससे पहले ही ये पहनाई जाती हैं, सात चूड़ियाँ, पांच हैं सात हैं विषम संख्या में उनकी, हाँ दोनों हाथों में पहनाई जाती हैं। तो चूड़ियों का बहुत बड़ा योगदान है।
और मैं आगे निवेदन भी करूंगा आचार्य जी, स्वर्ण की सोने की चूड़ियों का भी बड़ा बिजनेस, सोने के कंगन, सोने की चूड़ियां, लेकिन नित्य नियमित कार्य में रोज के लिए कांच की ही चूड़ी होनी चाहिए। लेकिन आज वर्तमान समय का यह दुर्भाग्य है कि बिल्कुल लोग भूल गए हैं। माताएं तो विशेष रूप से एक कड़ा डाल लेती हैं हाथ में। तो मैंने आज की बात को श्रृंगार शतक से आरंभ किया है। पति के आकर्षण के लिए तो चूड़ियां हैं ही, लेकिन अपने नैतिक जीवन को जीने में भी इन चूड़ियों का बहुत बड़ा योगदान है। जीवन में ऊर्जा चाहिए, पति की लंबी आयु चाहिए, घर में सुख चाहिए और पति की सफलता चाहिए। ये चार रंग की जो चूड़ियां हैं ये इन सब चीजों को प्रदानित कर देती। तो मैं निवेदन यह करना चाहूंगा, क्या एक ही रंग की चूड़ी पहननी चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। माताएं हाथ में चारों रंगों की चूड़ियां एक साथ पहन सकती हैं, यह भी वर्णन है इसमें, चारों रंग की चूड़ियां अपने इसमें। हाँ, लेकिन जब कोई विशेष ऐसे मांगलिक कार्य जैसे बच्चों का जन्म हुआ उसके बाद शुद्धि जब देखी जाती है तब हरे रंग की चूड़ी पहनी जाती है, और जब विवाह के समय पर है तब भी हरे रंग की ही चूड़ी पहनी जाती है, और श्रावण के पूजा पाठ में अनुष्ठान में उस समय भी मातृशक्ति अपने पति की लंबी उम्र के लिए हरे रंग की चूड़ी पहनती। और कुछ बोलते हाँ, तो मैं तो बोल रहा हूँ ना, पति की आयु के लिए हरे रंग की चूड़ी है। तो करवा चौथ पति की आयु के लिए ही तो है, करवा चौथ का जो व्रत है वो पति की आयु के लिए। हाँ, मैंने